चलिए जी, स्वागत है। तो नए पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। कैसे अप्लाई करना है, कितने पद हैं, टोटल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ, स्टाफ नर्स, पब्लिक हेल्थ नर्स, क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड अफसर, नर्सिंग और डेप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ और स्टैटिशियन, उसके अलावा असिस्टेंट और डेप्टी लाइब्रेरियन, और उसके अलावा वोकेशनल काउंसलर, हेल्थ इंस्पेक्टर, रेडियो, ओटी, डेंटल, सीसीडी, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, पर्यावरण मित्र व सिक्योरिटी गार्ड के पद इसमें शामिल हैं। जी हाँ, कौन सी भर्ती है? ये होगी आपकी आउटसोर्सिंग भर्ती, जो कि सेवा योजन कार्यालय, जैसे कि आपको पता है कि इसमें सारी भर्तियाँ उत्तराखंड में आउटसोर्स से हो रही हैं, जो भी बड़े बड़े जो सरकारी विभाग हैं उनमें से। और जो प्रयाग पोर्टल है, यानी कि रोजगार प्रयाग पोर्टल, अच्छा, काफ़ी अभ्यर्थियों की समस्या है कि अभी भी रोजगार प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये बात मैं आज से नहीं, 6 महीने पहले से मैं कहता आ रहा हूँ कि भाई रोजगार प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि मुझे पता था लास्ट टाइम है जब इसमें एक के बाद भर्ती आएंगी, ये साइट क्रैश हो जाएगी। क्योंकि शुरू में जब ये वेबसाइट डिज़ाइन होकर आई थी, उसी समय ही इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करना टेढ़ी खीर थी। अब तो है, तो आई थिंक थोड़ा सा मुझे जो IDTC है, आई थिंक ये उत्तराखंड जो टेक्निकल विभाग है वो इसको हैंडल कर रहा है। अगर वो बहुत अच्छे से इसको काम करना और भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे भर्तियों का लोड इस पर आने वाले भविष्य में होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटसोर्स के माध्यम से 240 मेडिकल जो कर्मचारी है उनके यहाँ पर भर्ती होगी। ये आपके देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी और चंपावत में ये भर्तियाँ होने वाली हैं। तो जो रोजगार प्रयाग पोर्टल है वहाँ पर आप जाएँ, रजिस्ट्रेशन करें हैं, उसके बाद ही आपको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।